भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जा रहे थे। भक्तों यानी मित्र हो भगवान श्री कृष्ण जैसे और सखा हो सुदामा जैसे। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में गए थे, मेरे प्रभु ने सुदामा का कैसा स्वागत किया। चम चम रोन लगे भगवान चम चम रोने लगे भगवान एक दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जा रहे थे। सुदामा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रभु मेरे मन में एक शंका है, उस शंका को दूर कर। भगवान कहने लगे, बोल सुदामा तेरी शंका क्या है, तेरी शंका का समाधान मैं अभी कर देता हूं। सुदामा पूछने लगे, प्रभु ये जो दिखता है ये क्या है और जो दिखता नहीं है वो क्या है। बोले शंकर भगवान, जब सुदामा ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुदामा उल्टे ही प्रश्न करता है, जब भी करता है, लेकिन जब तुमने पूछा है तो मैं बताता हूँ, ये जो दिखता है ये मेरी माया है और जो दिखता नहीं है वो मैं हूँ। बोले शंकर भगवान, मैं कब दिखूंगा, जब इस जीव की आंखों के ऊपर से मेरी माया का पर्दा हटेगा तो मेरा दर्शन आकदमी। और गाढ़ा होता जा रहा है। सुदामा कहने लगे, प्रभु एक काम और करो। भगवान कहने लगे, बोल क्या करना है। प्रभु ऐसा करो, अपनी माया की एक छोटी सी झलक मुझे दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुदामा अक्कल कर, अगर तू मेरी माया को देखेगा तो तुझे भी मेरा दर्शन नहीं होगा, पछताएगा। सुदामा कहने लगे, प्रभु बड़ी बड़ी नहीं पता लगती रस्सी। भगवान ने टाल दिया, कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो माया की झलक तुझे दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा चलते चलते गोमती नदी के किनारे जब पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुदामा गोमती नदी में स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। सुदामा कहने लगे, प्रभु अब किनारे पर पहुंच गए, कर लेते हैं स्नान, इसमें क्या देर लगी। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, चलो स्नान कर लेते हैं। भगवान ने अपने वस्त्र निकाले, पीतांबर निकाला। सुदामा ने कोई वस्त्र नहीं पहना था, धोती लाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने डुबकी लगाई, सुदामा ने डुबकी लगाई, लेकिन भक्तों याद रखना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर संतुष्टि आ जाए वो मेरा रूप है। बोले सनेश्वर भगवान, लेकिन यहाँ किसी को संतुष्टि आएगी, पूरा टब्बर लगी हो नौकरी है, फिर भी बोल दिया भी फर्क 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 त्याड़ी जाएगा था, फिर बोले सनेश्वर भगवान की है, फिर तो फर्क सारा चल जाएगा। इस जीव की तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी।
ये भक्ता ही रहेगा इस माया के पीछे। अब भगवान श्री कृष्ण को माया दिखानी है सुदामा। भगवान श्री कृष्ण ने एक डुबकी लगाई, बाहर खड़े हो गए, क्योंकि भगवान को संतुष्टि सुदामा को नहीं। सुदामा ने सोचा जब तक भगवान वस्त्र पहनेंगे पीताम्बर लगाएंगे इतनी देर में एक डुबकी और लगा लूंगा, लालच कर लिया, कभी मत करना बोले सनेसर भगवान। और जैसे कि सुदामा ने दूसरी डुबकी लगाई भगवान श्री कृष्ण ने माया दिखानी शुरू कर दी। सुदामा को ऐसा लगा गोमती नदी में बाढ़ आ गई और सुदामा जिस नगरी को मेरे प्रभु बनाते हैं वो नगरी बड़ी सुंदर होती, इस नगरी को भी मेरे प्रभु ने बनाया है, लेकिन खेत या पांच चोरों ने बोले शनिकर भगवान। भक्त तो याद रखना ये जो जीवन का सफर है इस सफर में चोर सबको इसलिए प्रभु कहते हैं मुसाफिर जागते बीच सुदामा पहुंचे। जैसे कि सुदामा नगरी के बीच पहुंचे एक हाथी ने फूलों का हार सुदामा के गले गले पहना। नगरवासी कहने लगे देखो महाराज हम नहीं जानते हैं कि तुम कौन हो कहां से आए हो, लेकिन हम इतना जानते हैं जिसके गले में ये हाथी फूलों का हार पहनाता है वो हमारी नगरी का राजा बन जाता है, बना दिया राजा। क्योंकि भगवान राजा बनाने में भी देरी नहीं करते और भिखारी बनाने में भी देरी नहीं करते। बन गया सुदामा राजा, अब जो राजा बन जाए जिसके पास धन दौलत आए उसको भगवान का ध्यान कहाँ आता है, फिर तो वो लक्ष्मी का पुजारी बनता है, विष्णु को छोड़ देता है। बोले सनेसर भगवान। सुदामा नगरी के बीच पहुंच गए, सुदामा की शादी हो गई, अब तो रानी आ गई। अब जब शादी के बाद माता पिता को भूल जाते हैं भगवान को नहीं देखते, सुदामा सब भूल गया और भगवान की माया करते सुदामा ने 12 वर्ष तक नगरी में राज्य किया। जब 12 वर्ष पूरे हुए रानी बन गई, अब नगरवासी कहने लगे महाराज हमारी नगरी का रिवाज है अगर राजा की रानी मर जाए तो हम राजा को भी जिंदा ही जला देते हैं। अब लगे सुदामा कम अब जिंदा जलाएंगे मेरे को, क्योंकि भगवान कहते हैं जो भगवान को भूल जाता है वो जिंदा ही जलता रहता है, उसकी चिता रोज जलती है। बोले शंकर भगवान। अब लगे सुदामा करो थोड़ा ही भगवान यहाँ कुड़ी रहा है, अब भगवान को यह मेरी छोड़ने वाली नहीं है, ये मुझे जिंदा जला देंगे। नगरवासी तैयारी में लगी है क्योंकि उस वक्त देर नहीं होती, फटाफट तैयारी हो रही है। रानी को अर्थी तैयार करके सुदामा का स्नान कराया, बड़े सुंदर वस्त्र पहना दिए, चलो महाराज अब तेरा काम भी हो जाएगा क्योंकि तू भगवान को भूल गया है। बोले बांके बिहारी लाल के। और दोनों को कौंती नदी के किनारे पहुंचा दिया, रानी को चिता तैयार कर दिया, चिता के ऊपर रानी को रखा। सुदामा को कहने लगे महाराज आप भी चल जाओ आज लकड़ा भी होगी। बोले शनिकर भगवान। सुदामा कांपने लगे ये छोड़ने वाले तो नहीं है। सुदामा कहने लगे देखो मेरी एक अंतिम इच्छा है। नगरवासी कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात है, मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुदामा कहने लगे और कुछ नहीं करूंगा, गोमती नदी में एक डुबकी लगाऊंगा। महाराज बड़ी अच्छी बात है, जलने से पहले स्नान करना,
सुदामा ने जैसे ही गोमती नदी में डुबकी लगाई, बाहर निकल के जब देखा तो भगवान श्री कृष्ण अभी भी अपना पीतांबर बांध रहे हैं। सुदामा 12 वर्ष राज्य करके आ गए, लेकिन मेरे प्रभु अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर तू मेरा हो जाए तो मैं सदियों तक भी तेरा इंतजार करने को तैयार हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की।